हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम डीसी टू डीसी एक बक कन्वर्टर बनाएंगे। और जैसे हम LM317 IC से जो बक कन्वर्टर बनाते हैं वो लगभग 1 से 1.5 एम्पियर हमें देता है, लेकिन आज जो हम बक कन्वर्टर बनाएंगे वो अप्रॉक्स हमें 3 एम्पियर के आसपास देगा। और ये दोस्तों ये वो आईसी है जिसका हम यूज़ करेंगे LM2576, LM2576 ये आईसी है। ये आपका 2-3 वेरिएंट में आता है, ये आपका एडजस्टेबल है। और इसको पहचानने का तरीका ये है दोस्तों कि यहाँ इसके सामने में यहाँ पे लिखा रहता है कि ये एडजस्टेबल है, 5 वोल्ट का है, ये 3.3 के लिए है या 12 वोल्ट के लिए है। इसका फिक्स वर्जन भी आता है और ये एक एडजस्टेबल वर्जन है। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पिन आउट कुछ इस प्रकार से है। ये फर्स्ट पिन हमारा इनपुट है और ये सेकेंड पिन हमारा आउटपुट है और ये ग्राउंड रहेगा हमारा और ये रहेगा फीडबैक पिन और ये जो लास्ट पिन है ये स्विच ऑन ऑफ के लिए है। तो आप यहाँ तो ग्राउंड कर देंगे तो आईसी ऑन हो जाता है, तो हमें तो ग्राउंड ही रखना है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है एक 10K का वेरिएबल रेजिस्टेंस। और उसके बाद एक हमें शॉटकी डायोड चाहिए होगा। इस शॉटकी डायोड का नंबर है SR360। आप यहाँ पे 5408 भी ले सकते हैं, कोई भी 3 एम्पियर का आप डायोड यहाँ ले सकते हैं। ये मैं DTH के SMPS से निकाला था। उसके बाद एक आपको चाहिए होगा 1.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, आप यहाँ 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों इंडक्टर। ये इंडक्टर हमारा 100 UH का इंडक्टर है और ये इंडक्टर कैसे बना है मैं आपको बता दूँ। ये जो थायराइड कोर है इसका लंबाई हमारा है 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 20 mm, और 20 mm का थायराइड कोर है। उसमें हम ये 22 नंबर का कॉपर वायर है इसको हम 35 टन लपेटे हैं, तो ये हमारा अप्रॉक्स 100 UH का बन गया। उसके बाद आते हैं कुछ कैपेसिटर्स पे। आपको कैपेसिटर अपने वोल्टेज के अकॉर्डिंग लगाना है, तो यहाँ मेरा रिक्वायर्ड वोल्टेज रहेगा 12 वोल्ट, तो मैं यहाँ 16 वोल्ट के कैपेसिटर लगा रहा हूँ और आउटपुट में भी 16 वोल्ट 1000 UF का कैपेसिटर लगा रहा हूँ। यदि आप इसमें 40 वोल्ट तक के इनपुट दे सकते हैं तो आप उसके अनुसार अपना कैपेसिटर लगाइए। अब आते हैं दोस्तों मेकिंग पे। मैं यहाँ एक PVC शीट का टुकड़ा ले रहा हूँ, इसी पे मैं इस IC को हॉट ग्लू के द्वारा लगा देता हूँ। आप यहाँ पे 0 PCB भी ले सकते हैं या फिर कोई भी MDF बोर्ड का टुकड़ा उसमें आप लगा सकते हैं। उसके बाद हमें एक चाहिए होगा डायोड, ये 3 एम्पियर का डायोड है RL207। मैं इसको फर्स्ट पिन में लगा देता हूँ और सेकेंड और थर्ड पिन में एक जो हमारा फास्ट रिकवरी डायोड था वो लगा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं वीडियो में, थर्ड नंबर और सेकंड नंबर वाइट वाला हिस्सा हमारा सेकंड नंबर साइड रहेगा। उसके बाद मैं एक कैपेसिटर लेता हूँ, ये कैपेसिटर 25 वोल्ट का है, 220 UF। आपका यदि इनपुट वोल्ट ज़्यादा हो तो आप यहाँ 50 वोल्ट तक के लेना, मेरा 12 वोल्ट है इसलिए मैं कम ले रहा हूँ। आप अपने इनपुट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और उसकी वायरिंग प्लस को प्लस में 1 नंबर पिन में और माइनस को 3 नंबर पिन में। उसके बाद एक जम्पर वायर लेंगे जिसे 3 नंबर वायर और 5 नंबर वायर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एक इंडक्टर कॉइल लेंगे, ये इंडक्टर कॉइल का जो एक सिरा रहेगा उसको जो हमारा FR डायोड है उसके वाइट वाला साइड लगाएंगे, जिधर हमारा निगेटिव है उस साइड, और जो इंडक्टर है उसका आउट वाला साइड एक कैपेसिटर लगाएंगे। ये 16 वोल्ट 1000 UF का, यदि आपका आउटपुट करंट ज़्यादा है तो आप यहाँ 50 वोल्ट 1000 UF का लेना, मेरा यहाँ कम है इसलिए मैं कम ले रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव इंडक्टर का एक सिरा हमारा कैपेसिटर का पॉजिटिव और निगेटिव को हम 3 नंबर पिन से इस प्रकार से मिला देंगे, ये हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा, लेकिन इसमें अभी कुछ मॉडिफाई करेंगे। उसके बाद मैं एक 10K का वेरिएबल रेजिस्टेंस ले रहा हूँ जिसके बीच वाले पिन में मैंने 1.2K का रेजिस्टेंस लगाया है। अब इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, फिर इसकी वायरिंग दिखाता हूँ आपको। ये हमारा जो पॉजिटिव रहेगा वो हमारे थर्ड नंबर या फर्स्ट नंबर लेग में आप लगा सकते हैं, जिधर आपको रोटेट करना है। उसके बाद निगेटिव हमारा जाएगा 1.2 किलो ओम रेजिस्टेंस के पहले हिस्से में, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद एक हमें जम्पर वायर लेना है और हमारा जो फोर्थ नंबर का पिन है, आईसी का फोर्थ नंबर पिन, उसको हमें लगाना है वेरिएबल रेजिस्टेंस के फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के ऊपर लगाना है। ध्यान रहे रेजिस्टेंस के नीचे हमारा ग्राउंड है और रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा फोर्थ वाला पिन कनेक्ट है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं।
इनपुट और आउटपुट के लिए आप वाई लगा देते हैं तो हमारे जो कैपेसिटर का निगेटिव है वो निगेटिव हो जाएगा और रेजिस्टेंस में जो पॉजिटिव गया है कैपेसिटर का वो हमारा आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा, और इनपुट के लिए कैपेसिटर का निगेटिव निगेटिव और कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा इनपुट आउटपुट रहेगा। उसके बाद आप अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से है इसका वायरिंग, मैं आपको सर्किट डायग्राम दे दूंगा और आप चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। इनपुट आउटपुट कैपेसिटर आपको ध्यान में रखना है आपके वोल्टेज के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ, तो इस साइड हमारा ये मल्टीमीटर लगेगा और इस साइड हमारा इनपुट लगेगा। तो मैं सबसे पहले इनपुट के लिए सॉरी पहले मल्टीमीटर मैं आपके लिए लगा देता हूँ, उसे डीसी वोल्ट में सेट कर दिया है और इसमें आपको अब चेक करके दिखाता हूँ मैं, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। इनपुट साइड दोस्तों मैं 12 वोल्ट का बैटरी लूँगा, यदि आप इसे डायरेक्ट डीसी सप्लाई से चलाना चाहते हैं तो उससे भी चला सकते हैं, मेरे पास अभी डीसी सप्लाई नहीं है तो मैं ये 12 वोल्ट 7 AH का बैटरी ले रहा हूँ। इसका ये बैटरी मैंने खुद बनाया है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा है आप देख सकते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा देते हैं और निगेटिव में निगेटिव लगा देते हैं। तो देख सकते हैं हमारा वोल्टेज कैसे स्टेप डाउन हो गया। दोस्तों आप इसमें 1.5 वोल्ट से लेके आप 30 वोल्ट तक के आउटपुट ले सकते हैं, वो भी 3 एम्पियर में, और इनपुट आप 40 वोल्ट तक के दे सकते हैं। तो ये हमारा जो डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों मैंने इसमें सीरीज़ में एक एक कैपेसिटर और लगा दिया है 25 वोल्ट 220 UF का और इसमें 16 वोल्ट 220 UF का, तो ये दोनों हो गया हमारा 50 वोल्ट इनपुट के लिए और 32 वोल्ट लगभग 32 वोल्ट के आसपास आउटपुट के लिए हमारा ये बन गया। तो दोस्तों ये जो हमारा डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर है 3 एम्पियर का, इसका वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पे यदि आप नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।